तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं इंडियन टॉय स्टोर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तीन अलग अलग कारपेंटर टूल सेट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्राइस की बात करूँ तो ये जो वाला टूल सेट है वो मुझे कुछ 300 रुपए के आसपास मिला है। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड वाला टूल सेट है वो मुझे 400 रुपए के आसपास मिला है और यहाँ पे जो लास्ट वाला किचन सेट है वो भी दोस्तों मुझे 300 रुपए के आसपास मिला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि काफी यूनिक से टूल सेट है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो जो देखा तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा वाला टूल सेट आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा वाला सही है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक, तो मुझे पता है दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। तो चले तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते, मैं पहले इस वाले टूल सेट को ही ओपन करूंगा। इन दोनों को रख देते हैं साइड में। तो ये देखिए दोस्तों कितने प्यारे और कलरफुल आपको टूल मिलने वाले हैं। पीछे ये देखिए कुछ इस तरीके का प्रिंटिंग है, काफी अच्छा। तो इसको कर लेते हैं ओपन। तो फर्स्ट दोस्तों जो हमें चीज मिलने वाली है वो है जो स्टील का दोस्तों स्ट्रक्चर होता है उसको कट करने के लिए ये लॉक होता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये लॉक बन जाता है। ये जैसे ही लॉक होता है कि जो स्टील की पाइप है वो इधर उधर हिले ना, तो ये कट करने में बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। तो ये कुछ और प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो दोस्तों, काफ़ी शानदार आपको क्वालिटी मिलने वाली है, काफ़ी मस्त। हमारा यहाँ पे है एक छोटा सा सी कुल्हाड़ी, तो आप लोग देख सकते हो कुछ कट करने के लिए जो मेटल होता है उसको, और ये वाला दोस्तों हिस्सा है ना स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए ये काम आता है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा। इसकी भी दोस्तों क्वालिटी सेम ही जैसी है, हाई क्वालिटी। यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर मिलने वाला है प्यारा सा, और एक ही है सिर्फ। ये देखिए ये बोल्ट को ओपन करने के लिए कितना छोटा सा है। ये देखिए यहाँ पे बोल्ट्स मिलने वाले हैं और स्क्रू। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से स्क्रू लग जाते हैं दोनों में बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे एक छोटा सा हैमर भी मिलने वाला है, जो यार इसकी क्वालिटी यार काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और देखिए हैमर जैसा लग भी रहा है और यह मजबूत भी है। अगर आप लकड़ी बकड़ी पे टूटोगे तो हैमर टूट जाएगा। आप सिर्फ इसको सोप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, काफ़ी मजबूत प्लास्टिक है। इसके बाद यहाँ पे एक लकड़ी का स्ट्रक्चर मिलने वाला है जिसमें आप लोग बोल्ट बोल्ट वगैरह लगा सकते हो, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में। यहाँ पे दोस्तों दो अलग अलग बोल्ट ओपन करने के लिए पक्कड़ मिलने वाले हैं। ये जो वाला पक्कड़ है वो थोड़ा सा अलग है, और वैसे दोस्तों दोनों सेम ही जैसे काम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों फर्क इतना है कि ये जो वाला है वो बड़े बोल्ट ओपन करता है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है और आसानी से क्लोज भी हो जाता है। और दोस्तों ये जो वाला है वो छोटे बोल्ट को ओपन करने के लिए काम आता है। ये देखिए ये भी कुछ इस तरीके से ओपन होता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बोल्ट ओपन करने के लिए एक टूल मिलने वाला है जो आप लोगों के घर में होगा ही शायद, मेरे घर में तो है, छोटा वाला है। यहाँ पे ये जो हमारा जो केबल होता है उसको कट करने के लिए ये पकड़ मिलता है। तो दोस्तों इसकी क्वालिटी देख सकते हो, काफ़ी शानदार और बहुत ही छोटा सा बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलने वाली है एक कारी, लकड़ी को कट करने के लिए काफ़ी फिनिशिंग दिया हुआ है कारी का, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे स्टिकर विकर लगा हुआ है तो यार काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। दो माप पट्टी मिलने वाली है लकड़ी का दोस्तों, जो स्ट्रक्चर है उसको चौकोर बनाने के लिए ये माप पट्टी काम आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो खूड़े होते हैं लकड़ी के वो दोस्तों इस तरीके से कुछ काउंटिंग करते हैं कि भाई सही है कि नहीं है, तो ये इसीलिए काम आता है। और ये भी दोस्तों मोटाई को देखने के लिए काम आता है कि भाई कितना मोटा रखना है कितना छोटा रखना है। तो यार ये मुझे यार काफ़ी यूनिक से दो टूल लगे। यहाँ पर आपको दो न्यू अलग अलग मिलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों मैं ओपन करने वाला हूँ बड़ा वाला टूल सेट, तो इसको भी देख लीजिए क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे फर्स्ट दोस्तों हमारा हैमर ही निकलने वाला है। क्वालिटी दोस्तों काफ़ी शानदार है, काफ़ी मजबूत है। एक बड़ा सा बोल्ट भी आपको मिलने वाला है, या कितना बड़ा बोल्ट है आप लोग देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से ये फिट हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बोला कि दो तरह के जो पक्कड़ होते हैं ये भी वैसा ही है सेम, लेकिन इसकी जो साइज है दोस्तों वो काफ़ी बड़ी है। तो ये बोल्ट वगैरह तो नहीं खोलने वाली, सिर्फ ऐसे ही सोप इसके लिए। यहाँ पे पक्कड़ भी आपको मिलने वाला है, ये भी दोस्तों बोल्ट खोलने के लिए या फिर जो हमारे केबल है उसको कट करने के लिए काम आता है। और यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है जो दोस्तों मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि जो मेटल का टुकड़ा होता है उसको कट करने के लिए ये जो वाला टूल है वो काम आता है। यहाँ पे दोस्तों बोल्ट को ओपन करने के लिए एक और टूल आपको मिलने वाला है जो आप लोगों ने पहले देखा, एक आधा गोल है और एक दोस्तों पूरा गोल है। तो क्वालिटी काफ़ी शानदार है इसकी भी, काफ़ी मस्त। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो दूसरा वाला पक्कड़ जिसमें आप है ना बड़े बड़े वाले बोल्ट ओपन कर सकते हो। ये देखिए कुछ इतना ओपन होता है, वापस से ये बंद हो जाता है। लास्ट चीज़ है वो है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन तो दोस्तों ऐसी लग रही है जैसे कि यार रियल हो। मुझे ऐसा लगा कि यार
मोटर वगैरह चलती होगी। यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है, लेकिन ये भी सिर्फ 100 पीस के लिए है और ये घूम रहा है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वो घूम रहा है और आगे का दोस्तों बोल्ट ओपन करने का आपको मिलने वाला है। तो आप लोग दोस्तों ड्रिल मशीन देख सकते हो कुछ या कारपेंटर जैसा आप लोग फील करोगे। तो अभी दोस्तों बात करते हैं हमारे लास्ट वाले टूल सेट की, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं ओपन। तो ये आसानी से दोस्तों ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो काफी अमेजिंग यहाँ पे टूल मिलने वाले हैं, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी लो लग रही है मुझे। तो पहले बोल्ट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 3 अलग अलग बोल्ट्स मिलने वाले हैं और कलर ब्लैक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये जो हमारे बोल्ट्स है वो बंद होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक प्यारा सा डिसमिस भी मिलने वाला है, जो इसकी शेप है ना वो पतली सी है, जो दोस्तों नॉर्मल बोल्ट होते हैं उसको ओपन करने के लिए। और क्वालिटी आप लोग देख सकते हो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये देखिए निकल भी जाता है। यहाँ पे एक पक्कड़ मिलने वाला है, लेकिन जो पक्कड़ की क्वालिटी है वो यार आपको देखने लायक है। ये देखिए पूरा का पूरा हिल रहा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा खासा बनाया गया है इसको भी। यहाँ पे एक बोल्ट को ओपन करने के लिए और बहुत ही छोटा सा बोल्ट को ओपन करने के लिए ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला। यहाँ पे आपको एक हैमर मिल जाएगा जो बिल्कुल भी दोस्तों लाइट वेट है, उतना ज़्यादा वेट भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे आधा खुला हुआ भी है, तो जैसे ही आप इसको ठोकोगे ना ये निकल ही जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक बड़े वाले बोल्ट को ओपन करने के लिए पक्कड़ मिलने वाला है, ये मुझे यार काफ़ी अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी यार अलग है। ये देखिए ये इस तरह से ओपन होता है, बस इतना ही होता है, फिर क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे आपको मेजर पट्टी भी मिलने वाली है लकड़ी का माप वाप देने के लिए, लेकिन ये भी सिर्फ 100 पीस के लिए है। और इसका जो बटन है वो भी दोस्तों अंदर चला गया, मुझे लगा गियर पट्टी पट्टी निकलेगी। और लास्ट में एक कटर मिलने वाला है, तो ये आप लोग कटर देख सकते हो और काफ़ी रियलिटी जैसा बनाया गया है, जैसे क्या रियल ही लगे। ये देखिए यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो मुझे यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, भले ही दोस्तों लो क्वालिटी है लेकिन काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इसी बैग मिलने वाली है, अगर दोस्तों टूल को साथ में रखना है तो एक बैग भी जरूर पड़ेगी आप लोगों को। तो ये कुछ इस तरीके का बैग है, नॉर्मली क्वालिटी का है, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ये देखिए तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो अभी तक खत्म हुई नहीं है, लास्ट में मैं इसका क्लोजअप लोग दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। आप लोगों को इन तीनों में से कौन सा वाला टूल सेट सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट में जरूर बताना। मुझे दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे ये जो कलरफुल टूल सेट है वो यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा, क्योंकि दोस्तों आपको सीखने के लिए कुछ न्यू टूल भी आपको मिलने वाले हैं, जो यार काफ़ी मज़ा आ जाएगा इसके साथ खेलने में। और दोस्तों यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इसकी जो मजबूती है वो आपको लॉन्ग टाइम तक साथ नहीं पाएगी। और दोस्तों ये जो लास्ट वाला है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो दोस्तों इतने दिन तक चलने वाली है नहीं, कभी ना कभी टूट जाएगी। इससे अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टूल सेट है वो मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी में सबको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला हो। तो चलिए तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।